बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डेटा प्राइवेसी के टॉपिक को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लॉ क्या होता है। तो अ लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी फॉर सोसाइटी। तो दोस्तों, लॉ कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है ताकि अपने कंट्री के लोगों को अमनो अमान और तहफ्फुज़ फराहम कर सके। और इन लॉज को बनाने का फायदा क्या है? हर इंसान का जो हक होता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखें, अगर ये लॉज ना बनाए जाएं तो इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि फिर जिसका जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा। और फ्रेंड्स, ये लॉज आपको हर एक फील्ड में नजर आएंगे, चाहे रिलेशंस हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो। और बिल्कुल ऐसे ही जब कंप्यूटर का यूज बढ़ने लगा और इस फील्ड में भी क्राइम में इजाफा होने लगा, जैसे हैकर्स किसी के कंप्यूटर को, अकाउंट्स को बिना उस बंदे की परमिशन के हैक करके यूज करने लगे, इसके अलावा वायरस और पायरेसी सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को और उनके डेटा को नुकसान पहुंचाने लगे, तो फिर जरूरत पड़ी कंप्यूटर की फील्ड में भी लॉज को बनाने की। और इन्हीं लॉज में से एक बहुत अहम लॉ बनाया गया, कॉपीराइट लॉ। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉपीराइट लॉ क्या है। तो दोस्तों, कॉपीराइट लॉ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपीराइट क्या होता है, ये किस तरह बनाया गया, इसकी ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए इसको फिर देखते हैं। दोस्तों, कॉपीराइट के मानी होते हैं किसी भी चीज को कॉपी करने के राइट्स। यानी आपने बहुत मेहनत से कोई अपना एग्जाम्स के लिए कोई नोट्स प्रिपेयर किए और किसी ने आपसे छुपकर आपकी परमिशन के बगैर उन नोट्स को शेयर करना शुरू कर दिया जो कि आपने बनाए थे, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी थे, तो आप हो गए उन नोट्स के ऑनर। और ये सिर्फ आपका हक है कि उन नोट्स को सेल करें अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं तो। और इस तरह की सिचुएशन जब कंप्यूटर के बनाने वालों को फेस करनी पड़ी तो उसके लिए 1992 में बनाया गया कॉपीराइट एक्ट या फिर कॉपीराइट लॉ फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी अब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि विंडोज वगैरह, कोई डेटाबेस हो, और अगर आपके बनाए हुए उस सॉफ्टवेयर की कोई कॉपीज जनरेट करता है आपकी परमिशन के बगैर, तो इस एक्ट के जरिए और उस कॉपीज के जरिए, यानी जब वो ये कॉपीज जनरेट करता है तो इनको सेल करके वो कुछ पैसे अर्न करता है, तो ये उस कॉपीराइट एक्ट के थ्रू जुर्म है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो पहला पॉइंट है वो है, इट इज इलीगल टू मेक और डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट ऑथराइजेशन। यानी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, अगर आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर की कॉपीज जनरेट करते हैं बिना उस बंदे से पूछे जिसका वो रियल में ऑनर है, तो आप इस कॉपीराइट एक्ट के जरिए मुजरिम हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज जिसके ऑनर माइक्रोसॉफ्ट है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन के बगैर उस विंडोज की कॉपीज को जनरेट कर रहे हैं तो आप इस सूरत में मुजरिम कहलाएंगे उस माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर के। और इसका सेकेंड पॉइंट देखिए, No other copies may be made without specific authorization from the copyright owner. यानी उस owner की मर्जी के बगैर किसी भी किस्म के software की copies आप नहीं बना सकते। तो friends, होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि आपको चंद पैसों में ही कोई software मिल जाता है बड़ी से बड़ी companies के, जबकि वो companies उस एक original software को हजारों dollars में फरोख कर रही होती हैं। तो दरअसल आपके पास वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं आता, बल्कि आपके पास आती है कॉपी उस सॉफ्टवेयर की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉपीज जनरेट करना तो सिर्फ ऑनर को अलाउ है। तो फ्रेंड्स, याद रखें, जो भी ऑनर के अलावा सॉफ्टवेयर की कॉपीज जनरेट करता है उसको पहले ऑनर से परमिशन लेनी होती है, और साथ के साथ जो भी रकम आप उस सॉफ्टवेयर को फरोख करके हासिल करेंगे उसका कुछ परसेंट आपको उस ऑनर को भी देना होता है। इस तरह आपको इतने एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स, इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स इतने सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये कॉपीराइट एक्ट ना हो तो बहुत बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर पायरेसी की इंडस्ट्रीज अब तक बन गई होती। लेकिन इस कॉपीराइट एक्ट ने ऑनर्स को अलग अलग राइट्स दिए
जिसके जरिए वो अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो बंदा इस कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी करता है, यानी ऑनर की परमिशन के बगैर अगर किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी जनरेट करता है, तो ऑनर उस पर केस कर सकता है और उसको उसकी कॉपी जनरेट करने का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट, द पेनल्टीज अंडर द लॉ इंक्लूड अ फाइन अप टू 2 लाख। यानी कॉपीराइट एक्ट के तहत मुजरिम को 2 लाख तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा और इन वर्स्ट केसेस 3 साल कैद की सजा भी हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था कॉपीराइट एक्ट और उसकी पेनल्टीज। आइए जानते हैं कि एज अ यूजर हमारा और आपका क्या फर्ज बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आइड होती है हमारी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जिनमें सबसे पहली है दोस्तों, आपकी पहली जिम्मेदारी ये आयद होती है कि सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। और खासकर अगर आपकी कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो वहां खासकर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज करें। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर हो, डेटाबेसिस के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो, हत्ता के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज करें। और फ्रेंड्स, ये भी इलीगल है कि आपकी कंपनी में 100 कंप्यूटर्स हैं और आप एक सॉफ्टवेयर बाय करके उनको उन तमाम 100 के 100 कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दें, तो ये भी एक इलीगल काम है। और एक सॉफ्टवेयर खरीद कर अगर आप उस जैसे और सॉफ्टवेयर्स की कॉपी बना लेते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ ऑनर, तो ये भी इलीगल है। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करें, तो हमेशा ये तस्दीक कर लें कि जो सॉफ्टवेयर आप बाय करने जा रहे हैं वो कानूनी है। क्योंकि अक्सर होता है, ऐसा होता है कि कोई आपको कॉपीड सॉफ्टवेयर बेच देता है और आपको पता नहीं होता, तो इस तरह आप पर भी उसका जुर्म आयद हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी इस तरह के जाली सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, वो बिल्कुल उन सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जैसा ही बनाते हैं, यानी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जैसा ही कॉपी करवाते हैं, बट द क्वालिटी इज इंफीरियर। यानी दिखने में तो वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जैसा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है। अक्सर जब आप कॉपी सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो आपको कुछ मसाइल से गुजरना पड़ता है। इसमें नंबर 1 है वायरस, करप्ट डिस्क और अदर डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर। यानी इन सॉफ्टवेयर्स में पहले से वायरस हो सकता है या फिर वायरस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ के साथ ये आपके कंप्यूटर की डिस्क को भी खराब कर सकता है। और दूसरा इसका पॉइंट देखिए, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन। इनएडिक्वेट के माने हैं नाकाफी। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो उसकी गाइडेंस भी साथ आती है, जो कि बताती है कि इसको यूज कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। तो ये सब चीजें कहलाती हैं, ये गाइडेंस कहलाती है उस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल के बजाय कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं होती, बल्कि इसमें कोई ना कोई कमी पेशी जरूर मौजूद होती है। तो ये कहलाती है इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन का आपको सामना करना पड़ता है, जो कि एक मसला है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट देखिए, लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल टू रजिस्टर्ड यूजर। यानी टेक्निकल सपोर्ट के मानी होते हैं कि अगर आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो सर्विसेज फराहम करेगी, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया विच इज ओरिजिनल और उसमें वो कोई एरर दे रहा है, तो कंपनी का टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर उसमें आपकी मदद करेगा उस एरर को रिमूव करने में। लेकिन अगर तो वो प्रोडक्ट, वो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है, वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर तभी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अक्सर अगर आप कॉपीज बाय करते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई टेक्निकल सपोर्ट हासिल नहीं होता, क्योंकि आप कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, आप तो कॉपी खरीदते हैं किसी थर्ड पर्सन से। इसका लास्ट पॉइंट देखिए, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स ऑफर टू रजिस्टर यूजर। इसी तरह फ्रेंड्स, याद रखें, जब आप किसी कंपनी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो वो आप उस कंपनी के जरिए ही खरीद सकते हैं, यानी आप, यानी यूजर और कंपनी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो इस तरह अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई अपग्रेडेशन करनी होती है, कोई नया फीचर ऐड करती है कंपनी, तो यूजर क्योंकि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपको उस अपग्रेडेशन की इंफॉर्मेशन भी साथ के साथ देती रहती है। लेकिन अगर आप कॉपी बाय करते हैं, तो कॉपीज में कभी भी कंपनी आपको अपग्रेड्स नहीं देती, क्योंकि कंपनी आपसे कनेक्ट नहीं होती।
बल्कि आप किसी थर्ड पर्सन से कनेक्ट होते हैं, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यूजर्स को। इन शॉर्ट याद रखें, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इलीगल कॉपी, किसी भी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी खरीदते हैं, तो इससे आप पूरी इंसानियत को धोखा देते हैं, क्योंकि किसी छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर बनाने में भी सालों लग जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को, और आप उन सॉफ्टवेयर को खरीद कर एक नाजायज काम में मजीद इजाफा कर रहे हैं। इसीलिए आप खुद भी कोशिश करें कि चंद पैसे ज्यादा देकर हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बाय करें। और कॉपीराइट एक्ट के अलावा कुछ और एक्ट पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर एक्ट। डिजिटल सिग्नेचर एक्ट, इस एक्ट के जरिए तमाम सर्टिफिकेट्स सिग्नेचर्स को वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर के जरिए किया जाए, यानी इसके अंदर ये बोला गया है कि तमाम सर्टिफिकेट्स पर वेरिफिकेशन जो होगी वो डिजिटल सिग्नेचर्स के जरिए होगी, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत ही ज्यादा महफूज तरीके का है। इसके अलावा कंप्यूटर क्राइम एक्ट, जैसे कि किसी भी कंपनी के कंप्यूटर्स को उनके डेटा को हैक करके नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने पर भी लॉज बन रहे हैं। इसके अलावा टेली मेडिसिन डेवलपमेंट एक्ट, दोस्तों टेली मेडिसिन मीन्स किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर और इन सब के साथ साथ इंटरनेट को इस्तेमाल करके घर बैठे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फार्मासिस्ट वगैरह से रुजू करके आप उनसे चेकअप करवा सकते हैं। अब यहाँ इस एक्ट के जरिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, डिग्री होल्डर होना चाहिए, वरना ऐसे तो अगर ये एक्ट ना बनाए जाए तो कोई भी इंटरनेट पर अपनी दुकान खोल सकता है। और इन न्यू एक्ट के साथ साथ जो भी पुराने एक्ट्स हैं, लॉज हैं, उनमें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे न्यू क्राइम्स आ गए हैं, तो उन पुराने एक्ट्स में भी चेंजिंग हो रही है। तो ये जो है प्रपोज लेजिस्लेशन, यानी इन सबके अंदर जो भी अलग अलग क्राइम से रिलेटेड एक्ट बनाए गए हैं, इसमें उनकी डिटेल्स है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि लॉस क्या होते हैं, कॉपीराइट लॉ क्यों बनाया गया है, कॉपीराइट क्या होता है, इसके अलावा और दूसरे लॉस और एक्ट्स की डिटेल्स देखी। अगले लेक्चर के अंदर हम और डिफरेंट एक्ट्स देखेंगे और डिफरेंट लॉस देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।